Class 5, class 6, Holy Child School. We will continue biology chapter number 1 from page number 11. Leaf, ये तो आप लोगों को homework दिया हुआ था. The flat, thin and green lateral structure attached to the node of a stem is called a leaf. तो leaf क्या भाई? चपटा सा lateral यानी जो बाहर की तरफ जो निकला हुआ रहता है. और कहाँ से भाई अटैच रहता है ये स्टेम या ब्रांच से? यहाँ पर अटैच कनेक्टेड रहता है, उसको बोलते हैं नोड. तो इसी स्ट्रक्चर को हम लीफ बोलते हैं. एन एक्सिलरी बर्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ. तो यहाँ दिख ही रहा भाई, जहां से ये पत्ता निकलता है जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड. यहां पर एक छोटा सा एक्सिलरी बर्ड यानी थोड़ा सा उठा हुआ, जहां से और पत्ते निकलने का स्थान रहता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड. ये भी रहता है. लीव स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अटेनिंग फुल साइज अनलाइक स्टेम्स दैट कीप ग्रोइंग. तो पत्ते जब तक पूरा साइज में आ जाते हैं उसके बाद ग्रो करना बंद हो जाता है. अनलाइक स्टेम्स मतलब स्टेम, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेम हमेशा बढ़ते रहते हैं. पार्ट्स ऑफ अ लीव, तो ये पार्ट्स हमको दिख रहे हैं भाई, एक्सिलरी बर्ड है, ये जो डंडा सा है जिससे कनेक्टेड है, पेट्यूल या लीव स्टॉक बोलते हैं, ये स्टेम रहा, ये पूरा चपटा वाला भाग जो है उसको लैमिना या लीव ब्लेड बोलते हैं, बीच में से जो लाइन जा रहा है उसको बोलते हैं मिडरिब, एकदम जो टिप एकदम कोना जो है ऊपर का उसको लीफ एपिक्स बोलते हैं, ये जो नसें ऐसे निकली होती लाइन लाइन या साइड में उसको वेन्स बोलते हैं, और किनारों को बोलते हैं लीफ मार्जिन. तो पेटियोल, द स्टॉक दैट अटैचेस द लीफ टू द स्टेम इज कॉल्ड अ पेटियोल. स्टॉक यानी वो भाग पौधे का, डंडे ऐसा पतला सा, किसी में मोटा होता है थोड़ा, जिससे स्टेम से कनेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं पेटियोल. इन सम लीव्स द स्टॉक इज एब्सेंट. कुछ कुछ पत्तों में ये स्टॉक नहीं रहता है, डायरेक्टली यहां से जुड़ा हुआ रहता है. दीज लीव्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टेम, सच लीव्स आर कॉल्ड सेसाइल लीव्स. तो ऐसे लीव जिनका ये स्टॉक नहीं रहता है उनको सेसाइल लीव्स बोलते हैं. लेमिना जिसको लीव ब्लेड भी बोला जाता है. द फ्लैट एंड ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना और लीफ ब्लेड. ये जो पूरा चपटा भाग है ऊपर का इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड या लेमिना. द पार्ट ऑफ द लेमिना दैट इज अटैच टू द पेटियोल और स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस. और जिस भाग से ये पेटियोल से कनेक्टेड रहता है, यानी ये दिख रहा है जो आपको ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लीफ बेस, यानी यहां से स्टार्ट होता है पत्ता, लीफ बेस. द आउटलाइन ऑफ अ लेमिना इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन, और आउटलाइन यानी किनारा उसको बोलते हैं लीफ मार्जिन. द टिप ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपिक्स, और एकदम टिप जो है एकदम ऊपर का जो कॉर्नर है उसको लीफ एपिक्स बोलते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द लेमिना इज मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है. नेक्स्ट मिडरिब, द पेटियोल कंटिन्यूज इन टू द लेमिना एट द सेंटर एज द थिक मिडरिब. तो पेटियोल जो है ये पूरा कंटिन्यू होता है बीच में से, जिसको मिडरिब बोलते हैं. इट हैज फाइन ब्रांचेस कॉल्ड वेन्स, और इसके डालियां ब्रांच जैसे अंदर ही अंदर जिसको नसे टाइप दिखती है उनको वेन्स बोला जाता है, दोनों तरफ रहता है. वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क एंड गिव सपोर्ट टू द लीफ. तो ये पूरा एक जाल जैसा बनता है पूरा, और ये पूरा पत्ते को सपोर्ट देता है. द पेटियोल मिडरिब एंड वेन्स कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फूड. तो इन सबका काम क्या रहता है भाई? वाटर एंड मिनरल्स को ये खींचते अंदर, पूरा अंदर अंदर आने देते हैं और खाना भी लेके आते हैं. लीव्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल गिव्स द लीफ इट्स ग्रीन कलर. तो पत्तों के अंदर एक हरा पदार्थ होता है जिसको हम पिगमेंट बोलते हैं, और इसी की वजह से पत्ते हरे होते हैं, और इस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल. टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्तों के प्रकार. प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ लीव्स. पौधों में दो तरीके के पत्ते होते हैं, एक होता है सिंपल लीव और एक कंपाउंड लीव. तो चित्र दिख रहा है हमको, जैसे कंपाउंड लीफ में हम बोल सकते हैं भाई नीम का हो गया, नीम के पत्ते है ना, एक डाल एक ही उसमें बहुत सारे लगे हुए थे, और सिंपल में आपका मैंगो हो गया, कई सारे हैं. सिंपल लीफ, अ लीफ विथ अ सिंगल लेमिना इज कॉल्ड अ सिंपल लीफ. तो ऐसा पत्ता जिसमें एक ही लेमिना होता है उसको सिंपल लीफ बोलते हैं. एन एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट ऑन इट्स एक्सिल, और एक्सिलरी बर्ड होता है उसके एक्सिल में. द बैनियन पीपल एंड मैंगो ट्रीज बियर सिंपल लीव्स. मार्जिनल कट्स में भी प्रेजेंट बट दे डू नॉट रीच द मिडरिब और पेटियोल, फॉर एग्जाम्पल आर्जिमोन लीफ. तो कुछ कुछ साइड में कट हो सकते हैं, ठीक है ना, आर्जिमोन होता तिल, ठीक है ना,
तो उसका जो पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके थोड़ा सा कट जैसा रहता है, लेकिन वो मिडरिब तक नहीं जाते, साइड साइड में रहते हैं। कंपाउंड लीफ, अ लीफ इन विच द लैमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ। तो ऐसा जिसमें लैमिना वो भाग हो जाता है अलग अलग पत्तों में, अलग अलग पार्ट में, जिसको लीफलेट्स बोलते हैं उसको कंपाउंड लीफ बोला जाता है। द लीफलेट्स डू नॉट हैव एन एक्सिलरी बड इन देयर इंडिविजुअल एक्सिस। तो हर एक 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 सिंगल सिंगल में एक्सिलरी बड नहीं होता है। द रोज प्लांट, नीम ट्री, गुलमोहर ट्री हैव कंपाउंड लीव्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं। नाउ डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, अलग अलग शेप होते हैं भाई। ये हार्ट शेप हो गया पीपल का, सर्कुलर यानी लोटस का हो गया, बनाना का ऑबलोंग बोलते हैं, है इसको, इस शेप को बोला जाता है ऑबलोंग। और कुछ यहाँ हो गए, सम ऑफ द कॉमन शेप्स आर ओवल, जैसे गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, हार्ट शेप्ड हो गया पीपल, सर्कुलर हो गया लोटस, टेपर्ड दिख नहीं रहा है, यूकेलिप्टस है, नीडल शेप्ड सुई जैसा पतला पतला पाइन, ऑनियन हो गया, ऑबलोंग बनाना हो गया, शॉर्ट तलवार जैसा नेरियम हो गया, लीनियर बहुत पतले पतले राइस यानी धान गाछ जो बोलते हैं, घास हो गए। ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस यानी किनारे, जैसे मैंगो का स्मूथ एज होता है, किनारा बहुत स्मूथ होता है, रोज टूथ यानी काटा काटा ऐसा होता है, दिख ही रहा है इसमें, आपने देखा भी होगा। अशोका का साइड साइड में ऐसे घुमावदार घुमावदार वेव जैसा होता है, घुमावदार। लोब्ड मस्टर्ड का, सरसों के पत्ते हैं ये, इस तरीके के होते हैं। आर्जिमोन, ये पौधा जो बता रहा था अभी, देखो कटे कटे से हैं जो अभी बट रहे थे हम लोग, ठीक है ना, लेकिन साइड साइड में रहता है, ज़्यादा अंदर तक नहीं आता है। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स आर एंटायर और स्मूथ, जैसे कि मैंगो, बैनियन, बनाना, सरेट या चुथ, जैसे कि एक ही नाम है कि चीज़, रोज का हो गया, हिबिस्कस हो गया, उसका भी ऐसे किनारे किनारे रहते हैं। क्रेनेट, क्रेनेट देखा, जिसकी लहरों जैसी रहती है, वेव, ब्रायर फाइलम हो गया, अशोक हो गया। डेंटेट एग्जाम्पल, वाटर लिली, यहाँ डेंटेट का तो दे नहीं रखा है। लोब्ड जैसे मस्टर्ड सरसों का होता है, रेडिश यानी आपका ये लोब्ड देखा होगा, मूली का, मूली के पत्ते किनारे ऐसे होते हैं। स्पाइनी कांटेदार, आर्जिमोन कांटे भी रहते हैं इसमें, पीले पीले फूल होते हैं, इनके जंगली पौधे हैं। ना डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ लीफ, टेक्सचर्स यानी टच करने में, कोई स्मूथ रहता है, कोई रफ रहता है। ना डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स, सम आर स्मूथ एंड सॉफ्ट, अदर्स आर रफ एंड हेरी। तो कुछ बड़े स्मूथ और सॉफ्ट होते हैं, कुछ आपके रफ खुरदरे से और बाल बाल जैसे निकले होते हैं ऊपर। सम आर फ्लेशी एंड थिक, कुछ पतले बहुत मोटे होते हैं, उनमें बहुत मांस जैसा चीज, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो पानी के अंदर होता है, पाना बोलते हैं बंगाली में, पानी के अंदर होता है जो वाटर हायसिंथ, उसके काफ़ी मोटा स्पॉन्जी रहता है पत्ता। अदर्स आर थिन एंड पेपरी, और कुछ कुछ पत्ते बहुत पतले, पेपर जैसे, कागज जैसे पतले होते हैं। सम आर जूसी, अदर्स आर ड्राई, कुछ जूसी रस वाले पत्ते रहते हैं, बहुत रस रहता है उनमें, और कुछ सूखे सूखे से रहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अब पत्ते कैसे सजे हुए रहते हैं। द लीव्स ऑन अ स्टेम आर अरेंज इन डिफरेंट वेज टू गेट मैक्सिमम एक्सपोजर टू एयर एंड सनलाइट। तो पत्ते अलग अलग तरीके से सजे हुए रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सूरज का जो रोशनी है उसको वो पकड़ सके, क्योंकि रोशनी चाहिए भाई खाना पकाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो यहां हमको दिख रहा है भाई, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तो ये पत्ते किस तरीके से अरेंज सजे हुए रहेंगे, इसको बोला जाता है फाइलोटैक्सी। थ्री मेन टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स आर अल्टरनेट, ऑपोजिट, वोल्ड। तो तीन प्रकार से पत्ते सजे हुए रहते हैं, ये तीन नाम दिए हुए हैं। अल्टरनेट में दिख रहा भाई, वन लीफ ग्रोज फ्रॉम ईच नोड, अनदर लीफ ग्रोज फ्रॉम द सक्सेसिव नोड, यानी एक पत्ता निकल गया दोनों नोडों से, फिर उसके बाद से एक निकला, फिर उसके बाद से, इस तरीके से। नो लीफ इज फाउंड जस्ट बिलो और अबव अनदर लीफ, तो जस्ट एकदम नीचे सट के कोई पत्ता नहीं रहता है, जैसे कि आपके चाइना रोज हो गया, पीपल हो गया, सनफ्लावर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा ऑपोजिट, टू लीव्स ग्रो ऑपोजिट टू ईच अदर फ्रॉम ईच नोड। तो ये दिख रहा भाई, ये सीधा डालिए, दोनों तरफ से एक एक निकला हुआ है। देर आर टू पैटर्न, दो तरीके के पैटर्न होते हैं,
ये फर्स्ट पैटर्न दिख रहा है हमको, पेयर्स ऑफ लीव्स ग्रो एट सब्सिक्वेंट नोड्स, जोड़ा जोड़ा करके ये नोड में निकल गया दो, इस नोड में दो निकल गया, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर जामुन, क्विस्क्वालिस जिसको रंगून क्रीपर भी बोला जाता है। सेकेंड पैटर्न हो गया पेयर्स ऑफ लीव्स ग्रो एट सब्सिक्वेंट नोड्स राइट एंगल्स टू ईच अदर, एग्जाम्पल कैलोट्रोफिस, तुलसी एंड जैस्मिन, तो जरूर तुलसी का पौधा देखना, तो इसके भी ऐसे रहते हैं, इसी तरीके से रहते हैं। वोल्ड, थ्री और मोर लीव्स ग्रो फ्रॉम ईच नोड, एक ही नोड से आपके तीन या तीन से ज्यादा पत्ते उगते हैं, एंड फॉर्म अ वोल ऑफ लीव्स, वोल यानी पूरा एक गोल चक्के जैसा वो बनता है, जैसे नेरियम हो गया जिसको ओलेंडर भी बोलते हैं, या हाइड्रिला, हाइड्रिला आपका वाटर प्लांट है। वेनेशन ऑफ लीव्स, जो नसें होती है, वेन्स होती है, वो भी अलग अलग तरीके से सजे होती है पत्तों में। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन अ लेमिना इज कॉल्ड वेनेशन, तो किस तरीके से जो वेन्स है वो रहते हैं, डिजाइन कैसा रहता है, उसी को बोलते हैं वेनेशन। दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा हो गया पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन में देखो क्या होता है, व्हेन वेन्स फॉर्म अ नेट लाइक पैटर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब, द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। तो जब दोनों तरफ ही पत्तों के मिडरिब से दोनों तरफ एक जाल जैसा पूरा बनता है, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। दिस वेनेशन इज फाउंड इन लीव्स ऑफ पीपल, चाइना रोज, मस्टर्ड, मैंगो भी है, ज्यादातर उसमें आपका गुआवा भी है। और पैरेलल वेनेशन होता है व्हेन वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, जो वेन्स जो नसे टाइप जो दिखती है वो पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल, जैसे केले के पत्ते में अच्छे से दिखता है, कुछ घास में होता है, वीट और वीट में होगा। तो व्हेन वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल टू द मिड रिब, द वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। सीधा सीधा लाइन में आपको दिखेगा, आपके किताब में अच्छे से दिखेगा, चाहे आसपास केले के पेड़ भी दे सकते हो आप। और ये किस में रहता है भाई, बैम्बू, बांस के पत्तों में, बनाना हो गया, वीट हो गया, ग्रास, घास आराम से घर के बाहर दी जाए, जो जिसके थोड़े चपटे बड़े पत्ते होते हैं थोड़े, उनमें अच्छे से दिखेगा आपको। एक्टिविटी है, थोड़ा सा पढ़ लोगे आप, और यहाँ ठीक है तो उसको देख के कर सकते हो घर में बैठ के आप प्रैक्टिस के लिए। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको जरूर आप करके मुझे पिक भेजोगे आप, किताब की सहायता से अच्छे से, मजाक नहीं करना है, इसको ध्यान से करना, सीरियसली।